हेलो एवरीवन, दिस इज अजित। वेलकम बैक टू साफ्लानर। श्रेणी दशम बिले आज वीडियो रे तुम भौतिक विज्ञान बहर षष्ठ अध्याय जार नाम हूँ आलोक प्रतिफलन और प्रतिसरण, जहाँ को लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बोली कहीपर। तो पाने देख यही चैप्टर मुख्यतः दुईटा जिनस अच्छी, गोटे हूँ आलोकर प्रतिफलन, द्वितीय हूँ आलोकर प्रतिसरण। ठीक अच्छे ना? तापर पे रिलेटेड बहुत गोटे गाणितिक समाधान देती जहाँकि तुम परीक्षापी बहुत इम्पोर्टां। तो आज वीडियो रे पे जो प्रतिफलन जो पार्टी अच्छी ताको आम सरवाई चेष्टा करवा। ठीक अच्छे, यार परवर्त वीडियो आम प्रतिसरण को आलोचना करवा। अच्छा देख पे आलोकर जितेबाला आम प्रतिफलन कहचे यहाँ तुम कौन नुआ जिनस ना, यही जिनस पे तुम श्रेणी अष्टम रू पढ़ी पढ़ी आसुच बुझीपना। देख कौन पढ़ चुके रिमाइंड करदे। देख मनकर पे यहाँ हूँ दर्पणर पृष्ठ। ठीक अच्छे ना? मनकर एपट गोटे लाइटटे गला। ठीक अच्छे, लाइट टे एमती गला, ये बाजला कौन हो सीमित आउ थे पल आस को पाने कहुए प्रतिफलन। ठीक अच्छे ना? यहाँ हूँ पे आपतित रश्मि, यहाँ हूँ प्रतिफलित रश्मि। ठीक अच्छे ना? आईटा हूँ पे अभिलम्ब, अभिलम्ब आपतित रश्मि मध्य जो कोण सृष्टि हुए आपतन कोण कह आईटा प्रतिफलन कोण बोली कह। ठीक अच्छे ना? तो ये जिनस विषय तुम अलरेडी पढ़ी अच तार टिके पे आडभांस लेवल पढ़ा। ताद आलोचना करवा आमर समतल दर्पण, अवतल दर्पण आ उत्तल दर्पण। तो समतल दर्पण रो प्रकार प्रतिफलन होपर आम उत्तल अवतल दर्पण को प्रकार प्रतिफलन होमती प्रतिसरण जो पढ़ा समतल दर्पण मान आमर कौन समतल दर्पण हो ये तो पे प्रतिसरण मुख्यतः दर्पण आसो ना लेंस आस कौन आस प्रतिसरण पे लेंस आसो आम उत्तल लेंस आवतल लेंस एम दुटा आसो। तो जहाँ भी हो उत्तल अवतल जो दुटा वार्ड आसा प्रतिफलन भी आ प्रतिसरण आंतु प्रतिफलन पे दर्पण आस प्रतिसरण आमर लेंस आस। ठीक अच्छे, देख पृथ्वी में आम चारिपटे आम अनेक प्रकार वस्तु देखू किंतु अंधार घरे आम कि देखिपना कहीं अंधार घरे आलो ना बिना आलोरे पे आम देखिपरिया ना से ही अंधार घर को जब आम आलोकित करदे तेज आराम से घर थी प्रत्येक वस्तु पे आम देखिपर ताहले कहा जो आम वस्तु देखिपर क्या जो ना आलोक जो तो दिन में सूर्यालोक आमको देखे साय साधारण वस्तु आलोक पड़ला से वस्तुर पृष्ठ से आलोक प्रतिफलित होना आम आखि पाखे पहुँचे आम चक्यू में पहुँचे जहाद्वर आम देखिपर। आदि आम गोटे स्वच्छ वस्तु ना जमीन कि पा नॉर्मल पानी हूँ गोटे स्वच्छ वस्तु कि गाड़ी मान तुम कौन कार कि बस देखि तो ड्राइवर जो बस था तार फ्रंट में जो काच लगी था काच देखिए से आर पारे देखी पार्चे ना तो सीटा गोटे स्वच्छ मध्यम। तो स्वच्छ मध्यम पे आम वस्तु देखि पाऊ कहीं आलोक यही स्वच्छ वस्तु देकर आलोक गति करें। आलोक सहित अनेक परिघटना पे जड़ित जमीक आलोक दर्पण द्वारा प्रतिबिंब गठन करारा मानक मिंजमिंज आलोक इंद्रधनुर सात वर्ण। ठीक अच्छे ना? आलोकर धर्म को विचार कले प्रकार बहुत गुड़ा आम घटना देखा पाइबा आ जिनस पे पाठ पढ़ा। ओके, देख आम चारिपटे घटुवा साधारण घटना को लक्ष्य कले आम जापर जे आलोक सरल रेखे गति कै। तो पे आज पर्यटन आम पढ़ीचे आलोक सब सरल रेखे गति कै आ गतिपथ जदि कौन से अस्वच्छ वस्तु जो वस्तु देखिए आलोक गति गति करें अस्वच्छ वस्तु कहे से वस्तु जदि रही तेज से वस्तुर पछपटे छाय सृष्टि हम यहीपरी घटना आलोकर सरल रैखिक गति को समर्थन करे। आलोकर सरल रैखिक गतिपथ को आलोक रश्मि बोली कहुए तो आलोक गोटे सरल रेखा जो गति करे तेना आलोक को तेनाली तार गतिपथ को पे आलोकर रश्मि बोली कहुए। तब देख अच्छा पे जान कि जदि गोटे अति क्षुद्र अस्वच्छ वस्तु आलोकर गतिपथ रही जाए मैंने गोटे छोट अस्वच्छ वस्तु जदि आलोकर गतिपथ रही तेज पे आलोक सरल रेखे गति करने परे से टी टेढ़ा हो टे बंकी यह आलोक पे पिकिनन डिफ्रैक्शनली कह जाए जदि आलोकर गतिपथ जो गोटे छोटिया अस्वच्छ वस्तु रही आलोकर गतिपथ टिके बंकी आलोकर पिकिनन कहगला तेरे ये देख पे गोटे कंट्राडिक्शन पल आसा जो आलोक सरल रेखे गति कै द्वितीय आसा आलोक बंकी भी जाए नहीं कि तो आलोक एपुर बांकी प्रक्रिया को आलोकर जो सरल रेखी गति तत्व अच्छी बुझी पारा ना तेना विकिनन परिघटना को बुझापी आलोक को गोटे तरंग हिसाब से पे चिंता कराला वार्डा मन रखु तो आलोक गोटे तरंग हिसाब से चिंता कराला
विंश शताब्दी बोले उन्नीस रु 2000 मसीह को विंश शताब्दी कहुचे। तो विंश शताब्दी प्रारंभ में बोले 1910-15 मसीह समय जना पड़ा जे पदार्थ आलोक मधे होता पारस्परिक प्रक्रिया को बुझापी आलोक को केवल तरंग खाली रूप चिंता कल हेनी तार कणिका रूप चिंता करा पड़ो। तो आलोक को प्रथम आलोक हिसाब से चिंता कराऊर तरंग हिसाब से चिंता कराला तापर कणिका हिसाब से चिंता कराला तापर बारंबार प्रश्न उठला जे आलोक प्रकृत तरंग ना कणिका। आलोकर प्रकृति संबंध में एक प्रकार विवादीय धारणा बहुत दिन पर्यंत चलला। तापर पे शेष आसला आधुनिक क्वांटम थ्योरी आसला। यही क्वांटम थ्योरी को आधार कर आलोक केवल तरंग केवल कणिका नुहे आलोक ये दुईटा जाक अटे मीन आलोक निजे तरंग भी अटे आलोक निजे कणिका भी अटे तेणु आलोक यहाँ हूँ द्वैत प्रकृति मीन से तरंग भी अटे आर आईटा कणिका भी अटे पार्टिकल भी अटे। तो यही आधार पे आम एत तो डिटेल्स पढ़ा ना केवल आलोक जो सरल रेखीय गति अच्छी आधार करी कौन प्रतिफलन आ कौन प्रतिसरण अच्छी आम ये पाठ पढ़ा ठीक अच्छे जमीन प्रतिफलन कौन प्रतिसरण कौन बर्तुलाकार दर्पण मीन से उत्तल अवतल दर्पण आसव ता सहित लेंस आसव आईगुड़ी आम बास्तव जीवन में किपर व्यवहार करें मीन उत्तल दर्पण अवतल दर्पण यहाँ आम कौ कौ कम व्यवहार करें आलोचना करवा। तो प्रथम आसा पे आलोकर प्रतिफलन देख एक चिकण पृष्ठ उपर आलोक जदि पड़े तार अधिकांश भाग कौन हम पे ना ओबीओसी प्रतिफलित हम तुम्हें आलोकर नियम गुड़ी भल भाव जानो आलोकर कौन नियम अच्छे पे श्रेणी अष्टम तुम पढ़ पढ़ी आस प्रथम नियम है पे आलोक आलोक प्रतिफलन बेले तार आपतन कोण आ प्रतिफलन कोण समान देख एटा हूँ गोटे दर्पण पृष्ठ ये आलोक पड़ा मैं बंक गला ठीक अच्छे ना यहाँ हूँ आपतन बिंदु ये हूँ अविलम्ब मीनस 90 डिग्री ये कुंडा पे कहब आपतन कोण और युंडा को कहब प्रतिफलन कोण। तो यार आपतन कोण आ प्रतिफलन कोण दुटा सामान ये आई आर जो नेबी तेज एंगेल आई इक्वल टू एंगेल आर ठीक अच्छे ना। द्वितीय है ये जो आपतित रश्मि ठीक अच्छे ना आ प्रतिफलित रश्मि और आपतन बिंदु जो अभिलम्ब अंकन होनि जाक पे मैंने गोटे समतल रही। तो आपत्ति रश्मि प्रतिफलित रश्मि आउ अंकित अभिलम्ब गोटे समतल रही था यहाँ हूँ पे आमर आलोकर नियम हो नेक्स्ट आसा पे मैंने प्रतिफलन नियम गुड़ी प्रतिफलक वक्रपृष्ठ तल समेत जेको पृष्ठ तल प्रजोज मीन से कहला अवश्य ये पे मैंने समतल दर्पण नहीं जाइए कि नियमटा केवल समतल ना से बंका मानने जेको प्रकार दर्पण ने मतलब लागू हे तुम उत्तल दर्पण नि अबतल दर्पण नि कि वक्ररेखावाला दर्पण नि जहाँ नौ नि सब जहाँ दुटा नियम लागू हो पार। तो प्रथम आम पे जो समतल दर्पण द्वारा कौन प्रतिबिंब सृष्टि होती तरह प्रकृति विषय पढ़ा ये भी तुम सप्तम क्लास पढ़ी आस प्रथम था समतल दर्पण द्वारा सृष्टि होता प्रतिबिंब सर्वदा आभास आभास द्वारा तो पे मैंने वास्तव ना अर्थात समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब सृष्टि हो प्रतिबिंब आभास अटे मीन वास्तव ना आम परदा धरी पारे कि सड़क अटे सड़क मीन ये जी गोटे अब्जेक्ट जी अब्जेक्टर यहाँ हूँ मुंड यहाँ हूँ पाद बोले दर्पण भितर जो भी मानने प्रतिबिंब सृष्टि होता तार मुंडा उपर पट रहा पादा तलपट ही रोक। नेक्स्ट है प्रतिबिंब आकार वस्तुर आकार समान तो वस्तुर आकार जीक थी प्रतिबिंब आकार से आकार रोक। नेक्स्ट है समतल दर्पण सम्मुखें वस्तु जी दूरते थी देख यहाँ है दर्पण पृष्ठटा यू वस्तुटा जीत दूरत अच्छी दर्पण भितर जो प्रतिबिंबा सृष्टि हे दर्पण भितर जो प्रतिबिंबा पे सृष्टि हे सी मत से दूरत रुझल ना देख ये दूरता जीक ये दूरता मत से। नेक्स्ट आसला यही प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा हे मीनस पे आमर लेफ्टा दर्पण भितर जो आम प्रतिबिंब देखा होता राइट हे आम रईटा तार लेफ्ट हे तो एक प्रकार पार्श्व परिवर्तन हम ये आम आगू पढ़ते बर्तन आस जाणी प्रतिफलन पृष्ठ जदि समतल न हो वक्र हे तेज प्रतिबिंब जो सृष्टि होता किपर हे। तो यहाँ तो आम अवश्य समतल दर्पण कथ देखे ये वक्र दर्पण थी मीन उत्तल अवतल थी से क्षेत्र में कौन हो देख बोले उत्तल अवतल बोले कौन से मुझे बुझे दूसरी देख देख ए प्रकार दर्पण अच्छी आज जोपटे पे एक प्रकार गारटा आँची यहाँ प्रतिफलन पृष्ठ ना भितरपटा आर पे जो भितरपटा ना ये भितरपटा हूँ पे प्रतिफलन पृष्ठ यहाँ कह अवतल सेमती आर पे ये जो बाहर पटा ना एपट सैडा यहाँ हूँ पे आम प्रतिफलन पृष्ठ यहाँ कह उत्तल यहाँ अवतल दर्पण यहाँ उत्तल दर्पण ओके देख आपको गोटे चमचा निली कही देख नर्माली पे चमचार जो भितर सैडटा हूँ कौन आसे ए प्रकार आसो जोटा कि अबदल दर्पण
आज बाहर से टाइप पे उत्तल दर्पण आसो ठीक अच्छे तो चकचक कर गोटे चामच नि तार वक्रपृष्ठ तुम मुँह को देखा चेष्टा कर वक्रपृष्ठ से देखा चेस्टा कर। अच्छा तुम प्रतिबिंब देखिपार कि यह तुम मुँह ठीक सान ना बड़ ठीक अच्छे चामच को तुम मुँह पाखु धीरे धीरे दूरे नि प्रतिबिंब कौन हो देख यह किपर पर देख ये जगह पे तुम निजे देख मुझे लास्ट को आंसरटा कहीदे देख चमचर वक्रपृष्ठ को एक वक्रपृष्ठ विशिष्ट दर्पण बोली मन करवा तो चमच चमचर जो खाल पट अच्छे जो ठेप पट अच्छे दुटा जाक वक्रपृष्ठ दर्पण ही गोटे पार्ट अटे पार्ट अटे आम कहीपर साधारण वक्रपृष्ठ दर्पण हूँ बर्तुलाकार दर्पण एपरी दर्पण प्रतिफलन पृष्ठ एक गोलक पृष्ठ गोटे अंश होता है मुझे कहार अर्थ है देख ये देख मंकन जो करा देख। अच्छा यहाँ निश्चित रूप कौना को गोटे बड़ गोलक गोटे पार्ट होता है ना यहाँ हूँ गोटे मानते गोटे गोलक अच्छे से गोलक यहाँ हूँ गोटे पार्ट कि जो उत्तल दर्पणा मत गोटे देख ए प्रकार गोटे गोलक ही पार्ट हो चामचार मत जो प्रतिफलन पृष्ठ अच्छी वक्र प्रतिफलन पृष्ठ से किसी ना किसी गोटे गोटे गोलक बर्तुलाकार गोलक निहतर गोटे पार्ट ही अनुमान करा पड़ो ता बर्तुलाकार दर्पण स्पेरिकल मिरर देखो बर्तुलाकार दर्पण प्रतिफलन पृष्ठ भितर आड़ को किंवा बाहर आड़ वक्र हुए जब भितर आड़ होता अबतल बाहर आड़ उत्तल कह जो बर्तुलाकार दर्पण देख जो बर्तुलाकार दर्पण प्रतिफलन पृष्ठ भितर आड़ को वक्र होता है ताकि अबतल कनकेव दर्पण कहुए आउ अबतल दर्पण वक्र प्रतिफलन पृष्ठ गोलक केन्द्र आड़ रही है तो ये जब अबतल दर्पण होती है देख यहाँ अबतल दर्पण आर भितर सैडा हूँ अबतल तो यहाँ गोटे इमें गोटे वृत्तर गोटे कौन हो पार्ट हो वृत्तर केन्द्रबिंदु हूँ यहाँ तो अबतल दर्पण जो पृष्ठा जोटा कि भितर सैडा अटे केन्द्रबिंदु आड़े अच्छे ना तो अबतल दर्पण वक्र प्रतिफलन पृष्ठा गोलक केन्द्र आड़ को रही है तीखे उत्तल जो बर्तुलाकार दर्पण प्रतिफलन पृष्ठ बाहर आड़ को वक्र होता है उत्तल दर्पण कहुए उत्तल मीन यहाँ। अच्छा यहाँ देख यहाँ निहत इमी गोटे कौ दर्पण गोटे पार्ट हो केन्द्र बिंदु यहाँ तो वृत्त उत्तल दर्पण जो प्रतिफलन पृष्ठा जोटा कि बाहर पट अच्छी कौटे अच्छे बाहर पट अच्छी तो यहाँ कौन वृत्तर जो केन्द्र रहा जो गोलक जो केन्द्र रहा तार विपरीत पट रहा नहीं कि तो उत्तल दर्पण वक्र प्रतिफलन पृष्ठ गोलक केन्द्र विपरीत दिग रही है यही दर्पण द्वयर निर्धारित चित्र दि जाए यह चित्र तुम देखिपर जो दर्पण पछ अंश को अपेक्षित फिका बन में दर्शाई जमी देख डायग्राम देख दी जाइए तुम देख यार पे मैंने यहाँ हूँ आमर मानने आपड़ाखड़ा सरफेसटा भितरपटा होमर प्रतिफलन पृष्ठ जोटा कि अबतल दर्पण यहाँ देख यहाँ हूँ बाहर पट हूँ आमर आपड़ाखड़ा सरफेस एपट हूँ आम प्रतिफलन पृष्ठ जहाँ उत्तल दर्पण कहला बुझले कि नहीं पे नेक्स्ट देख बर्तमान पे तुम बुझीपार जे चमचर भितर पटर आकृति अबतल दर्पण प्रतिफलन पृष्ठ आ बाहर पृष्ठ आकृति उत्तल दर्पण प्रतिफलन पृष्ठ एवं आम बर्तुलाकार दर्पण संपर्क में किसी शब्द विषय में जाना कौन जाना किसी शब्द देख कौन कौन से शब्द गुड़िक तो प्रथम पे जो टर्म देखा गोटे टर्म हूँ पोल पोल बोले कौन प्रथम देखा पोल देखा ता सहित देखा आम यार जो वक्रता केन्द्र कौन वक्रता तार वक्रता व्यासाध कौन फोकस दूरता कौन ये सब टर्म जाक पे जाना निहाती आवश्यक तेणु मु भलसे कहूँ बुझाप चेषा कर देख यटा देख पे यहाँ हूँ गोटे आमर अबतल दर्पण अच्छे कौन अच्छे अबतल दर्पण सी यहाँ हूँ गोटे आमर उत्तल दर्पण ठीक अच्छे ना ये दर्पण पे जो मझबिंदु थी से मझबिंदु सी दर्पण मझबिंदु होता यहाँ पे कह जाए पोल जहाँ पी बोल दर्शाए कौन दर्शाए पोल बोल दर्शाए बुझिपालना तब आसला वक्रता केन्द्र वक्रता केन्द्र देख कौन देख मन अबतल दर्पण यहाँ कथा जब मुझे कहि यहाँ पे निश्चित रूप इन कौना कौटे गोलक कौन हो गए पार्ट हो गोलक गोटे पार्ट हो गोलक गोटे केन्द्र थी ना ना तो यही केन्द्रटा का पे मैंने आमर अबतल दर्पण वक्रता केन्द्र यहाँ ही हूँ अबतल दर्पण वक्रता केन्द्र ठीक अच्छे जहाँ सी बुन सी जो उत्तल दर्पण टे अच्छे यहाँ मत गोटे कोना को प्रकार गोटे गोलक कौन हो गए पार्ट थी नहीं कि आर मत गोटे केन्द्र थी ठीक अच्छे ना तो यहाँ मत हूँ उत्तल दर्पण कौन अटे वक्रता केन्द्र अटे ठीक अच्छे यहाँ भी तार वक्रता केन्द्र तब देख वक्रता केन्द्र मत जानदे बर्तमान देखा आम यार
वक्रता व्यासार्ध, हाँ देखिए वक्रता व्यासार्ध, देख वक्रता व्यासार्ध अर्थ कौन जस्ट सेकेंड, देख वक्रता व्यासार्ध अर्थ हूँ ये जो केन्द्रबिंदु आज पोल आसो जब जोड़ा जहाँ पाइबा सीना आपको जोड़ा यटा को पाने कह जाए तार वक्रता व्यासार्ध कौन कह जाए तार वक्रता व्यासार्ध बोली कह जाए ठीक अच्छे देख वक्रता व्यासार्ध ठीक अच्छे ना वक्रता व्यासार्ध यहाँ आ वक्रता व्यासार्ध पे आर लेटर द्वारा प्रश्न जाए आर लेटर द्वारा ठीक अच्छे तो पोल देखिले प्रथम कौन देखिले आम पोल जहाँ पी द्वारा दर्शा तो वक्रता केन्द्र जहाँ सी द्वारा दर्शा आ वक्रता व्यास आर तो यहाँ हूँ आमर पोल यहाँ हूँ तार वक्रता केन्द्र यहाँ हूँ वक्रता व्यासार्ध तापर पे आस प्रमुख अक्ष आस कौन आस प्रमुख अक्ष देख प्रमुख अक्षर अर्थ कौन ये जो सी आउ पी ठीक अच्छे ना सी आउ पी को जब लंबा भाव गार टाणीबा यहाँ हम पे प्रमुख अक्ष सी आउ पी पोल आउ जो आम वक्रता केन्द्र अच्छी यहाँ जो गोरा जो गार आम टाणीबा से गार को हम पे आम प्रमुख अक्ष मुख्य अक्षर कह पार ठीक अच्छे प्रमुख अक्ष मुख्य अक्ष बोलीपर ना आर मत यहाँ हम ठीक अच्छे पे प्रमुख अक्ष उपर ही जेको वस्तु रखा जेको वस्तु प्रमुख अक्ष उपर रखा ओके प्रमुख अक्ष पर पे आम आसला कौन ना देखा कौन रहा जस्ट सेकेंड आप फोकस दूरता गोटे अच्छी फोकस दूर देनि तुमने गोटे कहीदे देख फोकस दूरता कौन हम देख फोकस दूर फोकस दूरता सब पे मैंने सी आउ पी मझे आसव आउ थे कहीदेव देख एम आसला यहाँ आम अबतल दर्पण यहाँ है तार पी एटा है तार सी सीटा सब अबतल दर्पणटा जो वृत्तर जो गोलकर पार्ट हो तार केन्द्रबिंदु हम ए सी आउ पी रझी जोड़ा आसो पे मैंने सेटा हम एपे से कह फोकस कह कौन कह फोकस नाड वाटम रखित फोकस आ फोकस आ पी को जो गार टाणी जो रेखाखंड आसो यहाँ फोकस दूरता लिख हम कौन कह फोकस दूरता सी आउ पी को जोड़े से कह वक्रता व्यासार्ध आउ एफ आउ पी को जोड़े कह फोकस दूरता आ एफटा हूँ फोकस एफटा किन बाहर ना पी आउ सी रझी जदि यहाँ दशमी है तो यहाँ एफ बी हम पांच सेमी तो सीपी रझी हम एफ ठीक अच्छे बहुत बढ़िया तापर पे मैंने गोटे फोकस विषय बुझाप चेषा कर फोकस विषय बुझाप चेषा कर देख कौन गोटे सी कहला जे गोटे आम गोटे दर्पण नवा जेकोसी गोटे दर्पण नहीं पार मन कर गोटे सपोज गोटे उत्तोल दर्पण ना कौन ना गोटे गोटे अबतल दर्पण ना गोटे अबतल मन दर्पण ना से अबतल दर्पण नाला पे कौन करना बाहर को जी आ सूर्या लोक को देखे सूर्या लोक को देखिए प्रतिफलित मुझे प्रतिफलित कला से पे कौन हाँ ना प्रथम प्रथम आलोर आलोकर गुच्छा बहुत बड़ देखा मुझे का से जो हाँ आउ जिन पे तल गोटे पेपर रखी है लगे गोटे पेपर रखी से पेपर पाख पेपर मत से बाहर एक रखी तपर गोटे अबतल दर्पण नेबी आ सूर्याडु देखेबी देखिकी सूर्यकिरण को प्रतिफलित करके ये पेपर पर पकड़ चेषा करी तो पेपर पर प्रथम कौन हाँ आलोकर बहुत बड़ गुच्छ देखा तापर दर्पण को जब मुझे आग पछ करी तो कौन हम ना से जो आलोकर गुच्छा जो बड़ थी से छोट हे कौन हम टे छोट हे धीरे धीरे छोट हे पूरा जिते पे छोट होते मुझे दर्पण को सेमती रखिदे मन मन से समय दर्पणर अवस्थित हूँ मन एम कि टाइप रिच अच्छे कौन सपोज ठीक अच्छे ना ये टाइप रही तो यह समय कौन हम पे धीरे धीरे पेपर कौन हम निया लगे ये जगह कौन हम निया लगे आरंभ हो तो ये मुझेपरि सूर्यर प्रतिबिंब हूँ पे ये बिंदुटा सूर्यर प्रतिबिंब हूँ यही बिंदुटा आ बिंदु आ जो पी थी पोल थी आ भितर जो दूरता आसो पे कह से दूरता को कह पे फोकस दूरता
आ बिंदु कह फोकस ए बिंदु कह फोकस बुझिपाल ना आई जीत दूरता अच्छे पे मैंने आज से आनदेवी यहाँ आम सी सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमित यहाँ पी एटा एफ यहाँ सी ठीक अच्छे तो जेको दर्पण से आलोक पड़ा सम जगह सब जगह आलोक जो जगार मिशंती आउ थे कौन गोटे दर्पण से सब जगह आलोक पड़ा ठीक अच्छे ना सब जगह आलोक पड़ला जो जगार मिशंती पा कह फोकस कह जमी देख ये पाला गोटे कौन आमर अबद दर्पण अबदर्पण रहा हूँ पृष्ठा भितर पटुटा इन गोटे आलोक रश्मि गला जैसे सीमित जाइए एमती गला आउटे आलोक रश्मि गला एमती सेमती आसला आउट आलोक रश्मि गला एमती सेमती आसला आउट आलोक रश्मि गला एमती सेमती आसला ये सब जहाँ पे मिसले तो यहाँ हूँ एफ यहाँ कह पाला एफ बा फोकस कह तो फोकस अफ दूरता को फोकस दूरता कह जाए यह तो अवश्य अबदल दर्पण कथ कहला जो उत्तल दर्पण कथ चिंता करवा उत्तल दर्पण बाहर से प्रतिफलन पुष्ट तो अब्जेक्ट रहा ये ये गोटे आलोक रश्मि गला सी कौन अवश्य एमती पड़ेब ये गोटे आलोक रश्मि आईला सी एमती पड़ेब यहाँ एमती आईला एमती आगे पड़ेगा एमती आसला एमती पड़ेगा एमती आसला एमती पड़ेगा तो ये पे मैंने आलोक रश्मि गुड़ टोटाली कि आगे मिशु ना आगे कितु जब आम पछक बढ़ेगा सब जगह डटड कर लगे जे यू बाहर भाया तो उत्तल दर्पण से एफुटा पे मैंने डाण पट आसव जदि अबदल दर्पण से एफुटा आम बाम पट आस आर एट बाम पट हूँ यहाँ आ डाण पट हूँ यहाँ तो उत्तल दर्पण से फोकसटा डाण पट आसव अबद दर्पण फोकसटा बाम पट आसव बुझिपाल ना बहुत बढ़िया आउ जिन मन रख पे अबतल दर्पण से सब रश्मि गुड़िक केन्द्राभिमुखी हे मीनस मिसबे कनभर्ज हे जमी देख एटे एम पड़ा एमती आसो आउ डाल सेमती गला एमती आसो तो से मिसंती एडे कि उत्तल दर्पण से पे आलोक रश्मि आएगा से सियाड़े पड़ो इला इे पड़ो तो उत्तल दर्पण से आलोक रश्मि गुड़िक केवे मिसंती ना यहाँ गोटे धर्म अच्छे उत्तल अबतल नेक्स्ट आसला पे आउट नुआ टर्म गुट आसा आपर्चर जहाँ आम द्वारक कहचे कौन कहे द्वारक द्वारक कौटा देख ये मन कर गोटे अबदल दर्पणटा ये अबदल दर्पण पे सरफेसटा जो ना यूटा को कह द्वारक कह जाए ठीक अच्छे ना यहाँ भी कहु द्वारक तो ये एम एन हूँ पे गोटे द्वारक आपर्चर नेक्स्ट आसला पे देख आर इक्वल टू टू एफ आर हूँ कौन आर हूँ पे वक्रता व्यासत आउ एफ हूँ आम फोकस दूरता वक्रता व्यासता सब फोकस दूरतार डबल हम ना कि हम अलरेडी डिस्कस कर सारे तो पे आज क्लासटा ये था यार प्रति क्लास आम एडु पढ़ा कौट पढ़ा देख 6.2.1 बर्तुलाकार दर्पण द्वारा प्रतिम्ब गठन मीनस अबदल दर्पण आउ उत्तल दर्पण से किपर प्रतिम्ब गठन होने पर भिडियो डिस्कस करवा कहीं पाखापाखि पे ये आमर 23-24 मिनट है अधिक समय पढ़वाटा ठीक ना ठीक अच्छे तो पुणी पे देखा अनेक पार्ट्रे से थैंक यू सो मच।